तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स की पलक सिद्धवानी उर्फ सोनू ने उड़ाई धज्जिया, असित मोदी का खोला सारा काला चिट्ठा। बता दें आपको कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का हिट शो है, लेकिन अब इस शो को पुराने कलाकार छोड़ रहे हैं। शो में सोनू का रोल निभाने वाली पलक सिद्धवानी ने भी शो को अलविदा कह दिया है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बताना चाहती हूं कि जहां एक तरफ पलक सिद्धवानी ने शो के मेकर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं मेकर्स द्वारा भी अब पलक सिद्धवानी पर लीगल एक्शन ले लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, लीगल नोटिस भेजा गया है अब सोनू यानी कि पलक सिद्धवानी को। बता दें आपको, दरअसल चर्चा थी कि मेकर्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए एक्ट्रेस को कानूनी नोटिस भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि पलक ने रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए उन खबरों को झूठ कहा, लेकिन अब प्रोडक्शन हाउस नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने नोटिस भेजा है। वही पलक की टीम ने भी बयान जारी करते हुए मेकर्स पर कई संगीन आरोप लगा दिए हैं। प्रोडक्शन हाउस ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें बताया कि नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने आनंद और नाइक के माध्यम से पलक सिद्धवानी को एक ऑफिशियल कानूनी नोटिस भेजा है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू भिड़े का किरदार निभा रही है। नोटिस में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का जिक्र किया गया है, जिससे किरदार, शो और प्रोडक्शन कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। पलक सिद्धवानी ने बिना लिखित इजाजत के शो के अलावा दूसरी चीज़ों में शामिल रही। उन्हें कई बार बोलकर और लिखकर चेतावनी दी गई, लेकिन पलक में कोई सुधार नहीं आया। वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती रही, इसी कारण मेकर्स को मजबूरन लीगल नोटिस भेजना पड़ा है। वही पलक सिद्धवानी ने भी मेकर्स के लीगल नोटिस पर चुप्पी तोड़ी है और एक्ट्रेस की टीम ने मीडिया के साथ एक बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने साल 2019 से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि अब वो इस शो को छोड़ रही हैं, क्योंकि उनके इस शो में आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। पलक सिद्धवानी ने कहा कि वो शो छोड़ना चाहती हैं। उन्होंने मेकर्स को इस बात की जानकारी भी दी थी, साथ ही उन्होंने मेकर्स पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। कहा कि उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा। टीम की तरफ से बयान में लिखा है, पलक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया। मेकर्स ने जो भी एक्ट्रेस के बारे में कहा वो सब झूठ है और मनगढ़ंत है। प्रोडक्शन हाउस द्वारा पलक को बदनाम करने, परेशान करने और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है ये झूठी कहानी। यानी कि ये जो मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां मेकर्स ने अब पलक को लीगल नोटिस भेज दिया है, तो वही लीगल नोटिस मिलने के बाद पलक भी चुप नहीं बैठ रही है और वो लगातार मेकर्स की पोल खोल करती नज़र आ रही है। आपकी क्या राय है, क्या कहना है, ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।